तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन में। तो यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये एक और नया बोर्ड जो है लॉन्च हो रहा है, जिसके एक बार क्वालिटी नज़र डालते हैं। तो हीट सिंक आप देख रहे हैं, तो हीट सिंक इतनी ज़्यादा हैवी है कि अभी तक शायद ही आपने किसी बोर्ड में देखी होगी। इसकी जो हाइट है हीट सिंक की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो इसकी थिकनेस है, कहने का मतलब जो इसकी हीट सिंक है वो लगभग 1 kg के आसपास है, जो कि आपको 600 वाट के बोर्ड में भी इतनी हैवी हीट सिंक नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये 400 वाट के बोर्ड में इतनी हैवी हीट सिंक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये बोर्ड होने वाला है हाई परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारा सेटअप रखा हुआ है, आपको टेस्ट करके दिखाएंगे जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक बार पहले मैं एक कनेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि ये नया बोर्ड है, सारे लोगों को कनेक्शन नहीं पता होंगे इसके, तो एक बार कनेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद कनेक्शन करे हुए बोर्ड पर ले चलेंगे और उसकी टेस्टिंग कराएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये है 200+200, मतलब 400 वाट एसी, जो खैर इसकी पावर इससे ज़्यादा ही है, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जी ऐसा कैसे हो जाएगा, ये इस इतनी ज़्यादा पावर कैसे दे सकता है। तो आपको अभी एनर्जी मीटर पर टेस्ट कराएंगे कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, इसलिए इसमें इतनी हैवी हीटिंग लगाई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको कनेक्टर दिया गया है 3 पिन का, जहाँ पर आपको देना है एसी पावर, मतलब कहने मतलब डायरेक्ट ट्रांसफार्मर आपको लगाना है यहाँ पर, और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फिल्टर कैपेसिटर इतने बड़े बड़े ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ये हैं इफेलियन कंपनी के जो कैपेसिटर हैं, आप एक बार गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि ये किस टाइप की कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, 80 वोल्ट 10000 UF के ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो भाई, जो मार्केट में इस तरह के बोर्ड मिलते हैं उसमें भाई लॉट के कैपेसिटर होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो इन्फेलियन है, ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो लोकल कुछ भी सामान इसमें नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं, यहाँ से आपको पावर देनी है, तो पावर आप इसमें दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स 50-0-50, क्योंकि 80 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये लगभग डीसी में बनकर 70 वोल्ट 75 वोल्ट के आसपास बन जाता है डीसी में। तो एक सेफ्टी रीज़न की वजह से हम इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकते हैं, या फिर अगर इससे ज़्यादा लगाना है तो आप इसके कैपेसिटर चेंज करके 100 वोल्ट के कैपेसिटर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, तब इसमें आप 60-0-60 भी ला सकते हैं, बोर्ड में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड जो है, जो ड्राइवर सेक्शन है, वो इतना ज़्यादा हैवी है कि आप 60-0-60 70-0-70 सब झेल सकता है, लेकिन आपको कैपेसिटर का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें रेक्टिफायर, तो यहाँ पर 35 एम्पीयर का रेक्टिफायर लगा हुआ है, 3580। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सारे ट्रांजिस्टर तोशिबा के, और जो आपके ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे हैं वो देखिए कितने बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सारे, जो कि इस बोर्ड को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग ड्राइवर सेक्शन है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सेक्शन का जो ऑडियो इनपुट है वो यहाँ पर है, एक ऑडियो इनपुट। ठीक है, यहाँ से आपको सिग्नल देना होता है ऑडियो का, एक ऑडियो का सिग्नल यहाँ पर है। ठीक है, इसके आगे ही आप 3 पिन का एक कनेक्टर देख रहे हैं, तो जिसको अलग अलग चैनल में अलग अलग इनपुट नहीं देना है, वो दोनों चैनल में एक ही इनपुट देना चाहता है या एक ही कनेक्टर देना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक 3 पिन का कनेक्टर भी लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट देंगे तो ये दोनों चैनल भी वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग चैनल्स पे दे सकते हैं इनपुट, यहाँ से आपको दोनों चैनल में इनपुट देने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी सोच समझ के इस बोर्ड को बनाया गया है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉइल लगी हुई है, वो कॉइल देखिए कितनी शानदार और कितनी मोटी वायर की लगी हुई है, एकदम कॉपर, 100% कॉपर वायर है। और इसमें जो यूज़ हुए हैं ट्रांजिस्टर, वो यहाँ पर 2-2 पेयर यूज़ हुए हैं, मतलब कहने मतलब इसमें टोटल 4 पेयर हैं, 8 ट्रांजिस्टर का ये बोर्ड है जिसमें लगे हैं 2SC5200 एंड 1943। और कंपोनेंट्स आप देखेंगे, कंपोनेंट्स तो आपको बोलने की अब ज़रूरत ही नहीं है, आपको साफ दिख रहा होगा सारे फ्लिप्स के रेजिस्टेंस हैं, और जो 2 वाट के रेजिस्टेंस हैं, 1 वाट के रेजिस्टेंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी है, जो कि आपको अभी पूरे मार्केट में कोई भी नहीं देने वाला है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि बदलाव लाएगा एमवी कलेक्शन, बदलेंगे ये सब लोग, तो अभी जाकर आप वीडियो देख लेना लोगों की ना, ये वाले रेजिस्टेंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन बदलाव जल्दी ही आ जाएगा, वो भी लगाने शुरू कर देंगे, क्योंकि एमवी कलेक्शन का जब कोई चीज़ बोलता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है लोगों को। तो भाई, अब यहाँ पर देखें कैपेसिटर्स वगैरह सारे सेमवा के हैं, कोई भी नकली एक भी चीज़ नहीं है। तो अब मैंने आपको कनेक्शन इसके बता दिए हैं, स्पीकर आउटपुट एक बार देख लीजिए, यहाँ पर स्पीकर आउटपुट, ये एक चैनल का स्पीकर आउटपुट यहाँ पर है, एक चैनल का स्पीकर आउटपुट यहाँ पर है। तो इसके कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ आपको दिए जाएंगे साथ में बोर्ड के। और अब बात करें तो ये 2 चैनल का मतलब आप स्टीरियो, जैसे हम इसको बोलते हैं 400 वाट स्टीरियो, तो इसका मतलब इसमें 2 चैनल है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब इस बोर्ड को हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं, तो पीछे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ऑसिलोस्कोप वगैरह सारा सब कुछ रखा हुआ है, तो उसमें हम जो है टेस्ट करके जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं सारे इसी तरह से अच्छी तरह से टेस्ट कर जाते हैं। अभी बाकी मैं आपको ये 400 वाट का बोर्ड जो है 4000 वाट रेजिस्टेंस पे भी चलाकर दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो हम ट्रेडल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा छोटू ट्रेडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैसे ही इसकी, क्योंकि छोटा ट्रेडल हर किसी के बजट में रेंज में आ जाता है, तो लोग इसको परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमवी कलेक्शन का, ये यहाँ पर 50-0-50 का मैंने ट्रेडल लगा रखा है, 50-0-50 से ऊपर इसमें ना लगाएं तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो 80 वोल्ट के हैं। अगर इससे ऊपर आपको ट्रेडल लगाना है तो आप कैपेसिटर आपको ज़रूर चेंज करने पड़ेंगे, उससे पहले इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है आपको एसी।
तो अब इसको हम बोर्ड को पावर ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पिन का जो हमने कनेक्टर लगाकर इसको हमने ऑडियो इनपुट दे रखा है, ये हमारा स्पीकर है। तो पहले मैं आपको साउंड टेस्ट कराऊंगा स्पीकर के ऊपर, देन उसके बाद हम चलेंगे लोड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैं स्पीकर की तार कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा प्लस है जो ब्राउन कलर का वायर है, ये हमने प्लस लगा दिया है, और दूसरा वाला माइनस है। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक चैनल पे मैंने अभी लगा दिया है, एक चैनल पे ही हम अपना 12 डबल 12 का जो टॉप है वो यूज़ करने वाले हैं, जो कि लगभग 500 वाट का है। ठीक है, तो डबल 12 का हम टॉप यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, जिसके स्पीकर खोले हुए हैं। अभी आपको इसका थोड़ा सा पंच भी दिखा देंगे किस तरह का इसमें पंच आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं पावर ऑन। एनर्जी मीटर पे दिखाएंगे कि आपका जो बोर्ड है वो कितना लोड ले रहा है ट्रॉयडल से, वहाँ पर आपको वाटेज दिख जाएगी, कुछ अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि भाई कितना वाट ये बोर्ड दे रहा है। तो सीधा हम पावर ऑन करते हैं। यहाँ से पहले यहाँ पर हमने मिड बेस दे रखी है और तीन पिन के कनेक्टर में आपको ऑडियो इनपुट दे रखा है, तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए पावर ऑन करते ही आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रीन LED लगी हुई है जो कि इंडिकेट करती है कि बोर्ड में पावर आ चुकी है। तो ये आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है बोर्ड में, क्योंकि जिससे चल जाए पता कि पावर आ रही है, वरना हमें मल्टीमीटर से देखना पड़ता है अगर कुछ इश्यू होता है। तो स्टैंड बाय पर यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 7 वॉट जो है हमारा टोटल लोड ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 वॉट्स। ठीक है, तो अब हम इसकी वॉल्यूम खोलेंगे, स्पीकर पे आउटपुट देखेंगे और यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाऊंगा कितनी वोल्टेज हमारा जो ट्रॉयडल है वो खींच रहा है, मतलब ये जो बोर्ड है वो ट्रॉयडल से खींच पा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी इसकी पावर है और कितनी इसकी पावर रेटिंग। तो हम यहाँ से वॉल्यूम खोलते हैं। तो एक बार हम पहले NCS सॉन्ग चला लेते हैं, नो कॉपीराइट, क्योंकि इसमें वीडियो में तुरंत ही जो है हमारा कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट की वजह से वीडियो डिलीट भी हो सकती है। तो मैं आपको अभी इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा NCS, बाकी थोड़ा सा कोई DJ वाला सॉन्ग भी चला देंगे, जिससे कि जो भी लोग कहते हैं कि यार ये गंदे गंदे गाने मत चलाया करो, ये बेकार लगते हैं NCS वाले, क्योंकि इसमें जो वो पावर टेस्ट नहीं हो पाती है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें बेस वगैरह थोड़ी सी कम आती है। तो ब्लूटूथ मोड पे इसको कर लेते हैं, क्योंकि हम मॉड्यूल से इसको दे रहे हैं इनपुट, तो हमने ब्लूटूथ मोड पे कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको भी NCS सॉन्ग चला कर दिखा देते हैं। खैर ये भी कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, तो एक बार हम इसी में ही टेस्ट करा देते हैं जो ब्लूटूथ है इसमें मॉड्यूल में, USB में ही टेस्ट कराते हैं। थोड़ा सा ही चलाएंगे, ज़्यादा देर चलाएंगे नहीं, आपको वाटेज दिखा देंगे कितनी वाटेज यहाँ पर आ रही है। तो आपने देखा यहाँ पर 308 तक एक चैनल ने ही लोड ले लिया। मैं ज़्यादा देर सॉन्ग इसलिए नहीं चला रहा हूँ, हो सकता है कि इस पर भी कॉपीराइट आ जाए तो हमें इसको भी म्यूट करना पड़ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तो हम आपको अच्छे से प्रॉपरली चलाकर दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी आपने इतना सही देखा कि हमने थोड़ी देर ही चलाया, अभी आपको स्पीकर भी दिखाएंगे किस तरह से बाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा 300 वाट से ऊपर एक चैनल पर लोड चला गया था, तो आप देख सकते हैं इसकी पावर कितनी ज़्यादा हाई है। तो भाई पावर की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो MV कलेक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो सोच समझकर और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद उनको लॉन्च करा जाता है। तो ब्लूटूथ से हमारा जो है फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, अभी हमने मॉडल चेंज करना पड़ा, उस मॉडल में कुछ इशू था। ठीक है, तो हम प्ले करते हैं यहाँ से, आपको थोड़ा साउंड क्लैरिटी सुना देते हैं, उसके बाद हम लोड रेजिस्टेंस आपको इसको टेस्ट करा देते हैं। ठीक है, तो हम प्ले कर रहे हैं यहाँ से सॉन्ग। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा किस तरह का इसमें जो है आउटपुट आ रहा है। तो अभी हम इसको साइड रखते हैं और आपको अब लोड रेजिस्टेंस इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ से स्पीकर हमारा जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, और इन तारों को थोड़ा सेफली रखेंगे क्योंकि आपस में टच होकर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो ये 2 ओम पर हम इसको चलाकर दिखाएंगे इस बोर्ड को। 2 ओम पर भी ये बोर्ड एकदम परफेक्टली काम करता है, तो आपको 2 ओम पर एक बार टेस्ट करा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमने 2 ओम पर और 4000 वॉट जो लोड है वो हम इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम सॉन्ग प्ले करेंगे और यहाँ पर आप पहले ही देख लीजिए एक बार यहाँ पर एनर्जी कितनी ली जा रही है, जिससे कि कोई बोल ना पाए बीच में। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 8 वॉट ले रहा है इस टाइम पर, और जैसे मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले करूँगा वोल्टेज यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, तो अब हम आपको एक बार फ्रीक्वेंसी प्ले करके दिखाते हैं 1 kHz पे, 1 kHz पे इसको दिखाते हैं कि कितना वाट खींच पा रहा है ट्रॉडल से एक चैनल, फिर उसके बाद दूसरा चैनल भी आपको टेस्ट करा देंगे। तो हम चला रहे हैं यहाँ पर 1 kHz की साइन वेव, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आप एक बार वाटेज देखिए कि ये कितने वाटेज ट्रॉडल से खींच रहा है। तो ये 300 वाट भी पार कर चुका है, एक बार पास से देख लेंगे हम, ये देखिए। तो एक चैनल आपको आपको अभी हमने दिखाया सिर्फ और सिंगल चैनल जो है वो 1 kHz पर 381 वाट जो है वो खींच पा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दूसरे चैनल भी टेस्ट करा देते हैं एक बार। तो ये मैं देखो आपके सामने ही, ये हमने इस चैनल से तार हटा दिए हैं और अब हम लगाएंगे इस वाले चैनल पर, ये पॉजिटिव है। खैर लोड रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये देखिए। तो अभी हमने आपको 2 ओम पर टेस्ट कराया था, ये 2 ओम पर दोबारा से हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो हमने यहाँ कनेक्शन कर दिए हैं, अब दोबारा से देखिए वहाँ पर 1 kHz प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ से वॉल्यूम खोलता हूँ, आप देखेंगे अभी 7 वाट ले रहा है, ठीक है। अब हम जैसे ही वॉल्यूम तेज करेंगे, ये देखिए वोल्टेज वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वाट्स तक ये खींच पा रहा है, ये देखिए। तो ये 400 वाट तक पहुँच गया यहाँ से वॉल्यूम फुल करने पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है, जो बोर्ड की पावर है और जो ट्रांजिस्टर्स की क्वालिटी है जो कि एमवी कलेक्शन यूज़ करता है, तो भाई ये सब चीज़ें वही देख पाते हैं जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। और बोर्ड देखिए अभी कुछ भी गर्म नहीं हुआ है, मैं इसके ऊपर आराम से हाथ रख सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम रिकमेंड करेंगे कि आप जब इसको पावरफुल चला रहे हैं इतनी हैवी हीटिंग होने के बाद भी, अगर आप चाहते हैं बोर्ड की लॉन्ग लाइफ रहे, आप उसको लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं, तो हर एक एम्पलीफायर बोर्ड में एक फ़ैन की नीड ज़रूर होती है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी हुई तो लाइक करना, लेकिन जो वीडियो को एंड तक देखते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी अगर आपको ये बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली बाय करने के लिए। अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इस बोर्ड को खरीद सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने बताया है कि धीरे धीरे बदलाव जैसे मार्केट में आ रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो हम भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी अपडेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो एम्पलीफायर बोर्ड्स का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे के समय में जैसा दिख रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो एमवी कलेक्शन को लाइक करते हो तो नीचे लिखना मत भूलना आई लव एमवी कलेक्शन, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, नए नए बोर्ड बन रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, नए नए डीजे का सारा कुछ सामान आने वाला है धीरे धीरे आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।